हाय फ्रेंड, मैं राजीव। मेरा यूट्यूब चैनल सीएनसी नॉलेजेस को आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एक सिलेंड्रिकल जॉब में डायल के थ्रू में कैसे आईडी सेंटर लेते हैं। एक एल्युमिनियम जॉब को हम चक से होल्ड किया, होल्ड करने के बाद लाइट हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग करने के बाद हम एमडीआई मोड में जाके उधर एक एम्प्टी पॉकेट को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम अप्रोक्सीमेटली एक के उसको सेंटर पोजीशन को लाएंगे। अभी खाली पॉकेट में हम डायल स्टैंड के थ्रू में एडजस्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। उसके बाद जब भी वो नॉट थोड़ा ज़्यादा टाइट है तो अब उसके कपड़े के थ्रू में लूज करके एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद देन हम लोग क्या करेंगे, डायल को ला के उसका डायल पिन को लाइटली जॉब के आईडी में अराउंड में टच करेंगे। टच करने के बाद हम लोग डायल पिन को लगा के ओइंग नट थ्रू में जीरो से सेटिंग करेंगे। देखिए हम जीरो से सेटिंग कर रहे, टच टू डायल पिन एंड एडजस्ट टू जीरो टू सेट डायल जीरो। अभी विंग नट के थ्रू में देखिए मैं एडजस्ट कर रहा, एडजस्ट कर लिया। अभी जीरो जीरो में सेट किया। सेट करने के बाद उसके बाद हम लोग को डायल को स्पिंडल को टच करके डायल स्टैंड को रोटेट करेंगे। चारों तरफ से रोटेट करने के बाद हम मिरर सामने है, मिरर को लेके चारों तरफ से देखेंगे। तो हम अभी मिरर में चारों तरफ से देखेंगे। देखने के बाद क्या करेंगे, अभी देखिए ऑपोजिट साइड को हमको दिखाई नहीं दिया तो इसलिए हम मिरर के थ्रू में देख रहे। अभी ये अभी वन साइड हम लोग डायल में जीरो सेटिंग करेंगे, जीरो थ्रू एडजस्ट नॉट एंड डायल पिन को हम इधर जीरो किया वन साइड एंड अनदर साइड। इधर बात याद रखिए कि हम लोग पहले जो भी आईडी सेंटर सिलेंड्रिकल जॉब या ओडी सेंटर लेते तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि वन एक्सिस को जीरो जीरो में सेटिंग करेंगे, इधर प्लस में और माइनस साइड में जीरो जीरो में सेटिंग करने के बाद वाई में क्या करेंगे उस देखिए। अभी मैं वाई एक्सिस में जीरो में डायल को सेटिंग कर रहा। अभी जीरो सेटिंग हो गया, होने के बाद अभी थ्री साइड में जीरो जीरो है तो ऑपोजिट साइड फोर्थ साइड ऑटोमेटिकली जीरो में आएगा। तो दोस्तों अब देख लिया कि कैसे सिंपली से हम डायल सेटिंग करते ओडी आईडी। देन हम लोग वर्कअप सेट जाएंगे। वर्कअप सेट जाने के बाद सिलेक्ट वर्कअप सेट को हम पुट करेंगे थ्रू द पार्ट मेजर। देन हम लोग जेड वैल्यू पुट करेंगे जो कि पार्ट का जेड प्रोग्राम में बॉटम जीरो देता और टॉप जीरो देता, इसलिए ये प्रोग्राम में मेरे को टॉप जीरो दिया। टॉप जीरो जॉब का ये टॉप पॉइंट में हम टूल हाइट लेने का, लेकिन टूल हाइट इधर लेने से प्रॉब्लम होता क्यों ना, एल्यूमिनियम पार्ट सॉफ्ट है। सो इसका वैल्यू हम ये 22 के पीछे तरफ से देते क्योंकि हम टूल हाइट ये 22 में लेने का। डिस्प्ले में ऑपरेटर को जाना, ऑपरेटर में ये जेड वैल्यू को जीरो करने का क्यों ना, इधर हम डायल लगा के टॉप में जीरो किया। जीरो करने के बाद ये 22 का पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे से डायल को टच करेंगे। वो फ्लैट एरिया में टच करने के बाद जितना वैल्यू आएगा हम लोग वही वैल्यू को इधर हम लोग को डायल लगा के जीरो किया। देखिए अभी गौर से हम एडजस्ट किया जीरो, ये जो वैल्यू आएगा हम उधर पुट करेंगे। तो बेसिकल ये जो वैल्यू आया इधर हम पुट करेंगे जेड वैल्यू। तो फ्रेंड्स इधर एक हम सिंपल सा ट्रिक बोलेंगे कि आप लोग हमेशा याद रखिए कि हम डिस्प्ले में जो जीरो किया था डायल को लगा के, इधर हम क्या करेंगे कि जो सेकंड प्लेस में जो वैल्यू आया था दैट्स लाइक माइनस साइड या प्लस साइड, उसको हम ऑपोजिट में जेड वैल्यू में पुट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़।